नमस्कार, मैं उज्जवल लामा खरसाङ सब डिविजन दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ। अगर ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मैं एज ए स्पोर्ट्स लवर, एज ए फुटबॉल प्लेयर्स, मैं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि खास मतलब ये वीडियो का यही है कि जो हमारा इधर खरसाङ सब डिविजन में पब्लिक प्लेग्राउंड अभी तक नहीं है। एक दशक से ही हम लोग इधर जो भी है पब्लिक स्पोर्ट्स लवर्स प्लेयर्स जितना भी है अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। एक ही ग्राउंड है जो चांदमारी राइफल, अभी राइफल रेंज ग्राउंड बोलता है, वो अंडर डिफेंस का है। अभी तक वो डिफेंस ने हम लोग को हेल्प कर रहा है, माने वो प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि बार बार में उधर में हम लोग डिफेंस को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, माने परमिशन लेना पड़ता है, और डिफेंस का या आर्मी का अपना ही कानून है। इसलिए हम लोग इधर जितना भी खरसाङ का लोग पब्लिक यही अपील कर रहा है कि हमारा एक तो प्लेग्राउंड होना चाहिए। यही इसलिए हम लोग इधर खरसाङ का जितना भी संस्थाओं ने खरसाङ सब डिविजनल ऑफिसर को भी एक तो मेमोरेंडम दिया था, और मेमोरेंडम का अनुसार और एक तो लैंड, सरकारी लैंड मेजरमेंट भी हुआ था अंडर BLRO खरसाङ। उसका लैंड का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है फॉरवर्ड करके दार्जिलिंग DM को पास भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। और मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जितना भी है संघ संस्था, हमारा वो डिमांड देख लीजिए, समझ लीजिए। और एक तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से एक प्रतिनिधिमंडल भेज के इसका लैंड सर्वाइव कर, माने लैंड सर्वे करके, माने कौन सा लैंड है, कौन सा लैंड नहीं होना चाहिए, एक तो टीम भेज के। और इसका मतलब यही है कि जो ये इधर का लैंड है, हम लोग अंडर सराउंडिंग एरिया टी गार्डन के अंडर में है, माने वो देख के कितना कौन सा जगह सूटेबल होगा, कौन सा जगह सूटेबल नहीं होगा, वही बात करके हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। ये सरकार से वही निवेदन है कि हमारा जो GIS मांग है स्पोर्ट्स यूथ के लिए, युवती के लिए, इधर में अच्छा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर्स भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, निकल कर चला गया। लेकिन हम लोग का उद्देश्य यही है कि इन फ्यूचर देश के लिए एक प्रतिनिधित्व करके इधर का लड़की लड़के लोग जाए और देश का नाम ऊंचा करके आए। यही मैं सभी लोग के यही वीडियो को मार्फत यही संदेश भेज रहा हूँ कि हमारा का जो डिमांड है देख लीजिए, समझ लीजिए और सपोर्ट कर लीजिए। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स लवर और एक तो सोशल वर्कर होते के नाते आप लोग का पास ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।